प्रांतीय रक्षक दल के जवानों ने ड्यूटी लगाने को लेकर पूर्व शासन निर्देश के आधार पर जिला अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। जनपद सिद्धार्थनगर के प्रांतीय रक्षक दल के जवानों ने जिला अध्यक्ष राम कुमार जायसवाल की अगुवाई में जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर संबोधित अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर व मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर को इस ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया है कि प्रांतीय रक्षक दल PRD जवानों को विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में पूर्व में आए शासन आदेश के आधार पर ड्यूटी लगाई जाए, जिससे इन जवानों को रोजगार मुहैया हो सके और इनके परिवार का भरण पोषण हो पाए। आज के इस कार्यालय में जनपद सिद्धार्थनगर के सैकड़ों PRD जवान उपस्थित रहे। किस पद पे हैं? PRD जिला अध्यक्ष। क्या मांग को लेकर के आप जिला कलेक्ट्रेट पे अपना नालामत हुए? हम सर ड्यूटी के लिए आए हैं और शासनादेश 2012 से लागू हुआ है, शासनादेश भी लेके आए हैं और 2012 से 18 भी बीत गया, 19 आ गया। हम लोगों को ये शासनादेश पता नहीं कहाँ ये सब छुपा के रखे थे युवा कल्याण वाले, हमारा ड्यूटी नहीं लगाए, हम इसलिए आए। कितने कितने दिन पे आपको ड्यूटी लगता है? कहीं 5 साल में लगता है, कहीं 4-6 महीने में लगता है, कहीं मतलब 2 साल में लगता है, ऐसे ड्यूटी करके लगता है, कभी कभी लगता है। शासनादेश क्या है? शासनादेश है, इसमें 23 जगह हैं और 23 जगह में 3 जगह ड्यूटी चल रही है इस जिले में और 20 जगह बाकी है। हम उसी ड्यूटी के लिए आए हैं कि सर हमारा ये ड्यूटी देंगे। इस समय कितना वेतन पाते हैं? इस समय 250 रुपया मिलता है सर पर डेली। हाँ, जब हम ड्यूटी करेंगे तो 250 रुपया मिलता है सर। यानी एक साल में अब कभी कभी आप लोग कभी कभी लगती? मिलता है। कितने पद हैं? पद तो ये कहीं हैं विभाग में, विभाग में पद 4 थे, ब्लॉक कमांडर और टोली नायक, हल्का सरदार, दलपति, लेकिन ये मुख्यालय से हटा दिया गया, पद हम लोगों को कुछ नहीं है। तो इसमें दोषी आप किसको मानते हैं? दोषी आप किसको मानते हैं जो आपके शासनादेश को दबा के रखा? वो हमारे युवा कल्याण सर।